हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल CGPSC नॉलेज में। दोस्तों, हमारा चैनल चालू हुए लगभग 2 साल हो गए हैं और हमने 2 साल में जितने भी वीडियो कवर किए हैं वो किसी न किसी पढ़ाई से संबंधित होते थे, कोई ना कोई सब्जेक्ट से संबंधित होते थे। तो इसलिए जो है मैंने ये सोचा है कि अब आपको हर संडे कुछ एक ऐसा वीडियो प्रोवाइड करूंगा जिसमें आपको पढ़ाई से हटकर कुछ अलग नॉलेज मिलेगा, ताकि आप जो है जीएस की आपके पेपर में तो ये पार्ट नहीं आएगा लेकिन आपको जीएस इम्प्रूव करने में आपको बहुत मदद करेगा। तो आज के वीडियो में हम जो कवर करेंगे वो है कि हम बहिष्कार, जो आप स्वदेशी आंदोलन के समय या कई आंदोलन के समय जो है बहिष्कार शब्द का सुने ही होंगे, तो उस बहिष्कार को इंग्लिश में बॉयकॉट ही क्यों बोलते हैं। आज हम ये बताएंगे आपको कि बहिष्कार के लिए इंग्लिश में बॉयकॉट शब्द का ही प्रयोग क्यों होता है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और अगर आपको ऐसे ही वीडियो और चाहिए, क्योंकि मैंने जो प्लान बनाया उस हिसाब से आपको हर संडे को कुछ ऐसे ही कुछ बेसिक नॉलेज जो है जो आपके काम पेपर में तो नहीं आएंगे लेकिन आपके जीएस जरूर स्ट्रांग करेंगे, और आप जानकर इसको खुद अच्छा आप महसूस करेंगे कि आपको जो है कुछ नया चीज जानने के लिए मिला। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए और प्रोवाइड कराएं तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसे लगा और आपको इस सीरीज में और वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये बस मेरा एक प्रयास है, अगर आपको पसंद आएगा तो जरूर आप इसको कमेंट बॉक्स में मेरे को बता दीजिएगा। तो उसके पहले जो हमारा, मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूं कि जो हमारे वीडियो किस किस सब्जेक्ट में अब आने वाले हैं। पहली बात, जो कल वीडियो आएगा जो हमारा टेस्ट सीरीज चल रहा था CGPSC नॉलेज वाला, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन और पंचायत के क्वेश्चन में किसी को जो भी डाउट है उन्होंने बोला था कि सर एक वीडियो बना दो, तो उसके ऊपर भी एक वीडियो जो है आपको कल मिल जाएगा। अगर आपको अभी भी किसी को डाउट है तो आप जो है हमारे www.gyanmitan.com में जाकर रजिस्ट्रेशन करके जिसको भी जो भी डाउट है आप मेरे को वहां पर बता सकते हैं, ताकि मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूं। इसके अलावा हमारा जिला दर्शन वाला पार्ट बचा, उसके ऊपर भी वीडियो चालू होने वाला है, जो बस्तर संभाग बचा हुआ है, और इसके अलावा जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे जो नया है उसके ऊपर भी वीडियो हम जल्द चालू करने वाले हैं। तो ये पार्ट आने वाले समय में कवर होगा, और जो आज से ये वीडियो चालू हो रहा है ये हर संडे को वीडियो लाने का ये ऐसा प्लान है, तो आप इसको बता दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि आखिर बहिष्कार के लिए बॉयकॉट शब्द का ही प्रयोग क्यों किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा हमारे यहाँ भी जब ब्रिटिश शासन चल रहा था तो उस दौरान किसानों का पूर्ण तरीके से शोषण किया जाता था। ठीक है, तो वैसे ही ये बॉयकॉट शब्द जो है एक्चुअल में आयरलैंड से आया शब्द है। इस समय क्या होता था, जैसे यहाँ किसानों का शोषण करते थे अंग्रेज, आयरलैंड में भी जो है ब्रिटिशर्स का ही शासन था। तो जैसे यहाँ पर वो खेत देते थे, ठीक है, खेती करने के लिए, जैसे कि यहाँ पर भी खेत जो है वो एक प्रकार से किराए में देते थे कि आप यहाँ खेती करो, और खेती करने के बाद जो भी उपज होती थी उसको वो पैसे के रूप में ग्रहण करते थे, अनाज के रूप में ग्रहण करते थे। वैसे ही सेम प्रोसेस आयरलैंड में भी ब्रिटिशर्स के द्वारा किया जा रहा था, और वो किसानों को जो है आयरलैंड के किसानों को खेत देते थे, लेकिन वहां पर फर्क ये होता था कि वहां पर जैसे ही खेत जब दिया जाता था किसी भी किसान को खेती करने के लिए, और किसान जो है पूरी मेहनत करके जैसे ही खेती वहां पर करता था और उसकी जो भी फसल है वो उगती थी, तो उसके बाद जो है फसल काटना होता है और काटने के बाद ही वो बेचेंगे तो उनको लाभ होगा। लेकिन वहां पर क्या कर रहे थे ब्रिटिशर्स, जैसे ही किसी व्यक्ति को खेत दिया जाता था किसी किसान को, तो खेत में वो जैसे ही फसल कुछ उगाता था, पूरी मेहनत करता था फसल उगाने के लिए, और जैसे ही फसल उगती थी तो जिस किसान को वो खेत दिए हैं उस किसान को वहां से हटा दिया जाता था, और जो अंग्रेजों का भक्त रहता था उस किसान को वो खेत दे दिया जाता था। यानी फसल उगाए कोई और उसका जो पैसा मिलेगा यानी कटने के बाद जो फसल बेचेंगे वो कोई और किसान बेचता था। तो इसी के लिए आयरलैंड के किसानों ने यह तय किया कि अंग्रेज अब जब भी यानी ब्रिटिशर्स जब भी हमको कोई खेत देंगे, अब हम उस खेत में कुछ किसी भी प्रकार की खेती नहीं करेंगे और खेतों को लेने से ही मना कर देंगे, और कोई भी व्यक्ति अगर उस खेत को लेगा तो हम उसको अपने समाज से बाहर कर देंगे। ठीक है, यानी अंग्रेज जैसे ही उनको खेत देने के लिए आएंगे वो खेतों को लेने से मना कर देंगे, और जो भी किसान अगर उस खेत को लेता है वहां खेती करने के लिए उसको वो अपने समाज से बाहर निकाल देंगे। तो वैसे ही जो है वहां पर ब्रिटिशर्स के द्वारा जब खेतों का बंटवारा किया जा रहा था और पर्टिकुलर किसी किसान को खेत दिया जा रहा था, तब
हर किसान ने वहां पर खेतों में खेती करने से मना कर दिया। लेकिन वहां पर एक किसान ऐसा था जो कि अंग्रेजों द्वारा दिए गए खेत को ग्रहण कर लिया और वहां खेती करने लगा, तो उस व्यक्ति का ही नाम था बायकॉट। ठीक है, यानी जिस किसान ने वहां पर खेती करने के लिए खेत ले लिया अंग्रेजों से, उसी का नाम था बायकॉट। तो उसी बायकॉट ने जैसे ही खेत लिया, वैसे ही जो किसानों का अपना समाज था उससे उस बायकॉट को उन्होंने बहिष्कृत कर दिया। इसी के लिए जहां भी हम बहिष्कार शब्द का लाते हैं, हिंदी में प्रयोग करते हैं, वहां पे इंग्लिश जो है बायकॉट शब्द का प्रयोग होता है, वो बायकॉट उसी किसान के नाम पर ही बायकॉट आज भी बोला जाता है। इसी के लिए हम जब स्वदेशी आंदोलन भी पढ़ते हैं तो हम जब देखे थे विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे तो वहां पर भी हमने बायकॉट शब्द का प्रयोग किया है। तो यही कारण है कि बायकॉट शब्द का प्रयोग बहिष्कार के लिए किया जाता है। ठीक है, तो आज की इतनी ही जानकारी थी, इतने ही लंबे वीडियो रहेंगे। अगर आपको कुछ भी नया चीज जानने के लिए मिला होगा इस वीडियो के माध्यम से तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। और कुछ अगर आपको इस वीडियो के रिकॉर्डिंग, जैसे कि मैंने बोला कि आगे भी इस वीडियो में वीडियो सीरीज को जारी रखना है, तो हर संडे कुछ 3 से 4 मिनट का वीडियो रहेगा जो हम आपको उपलब्ध कराएंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट सेक्शन में कुछ बता दीजिएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।